नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स बीएस एजुकेशन सब में। इन दिस वीडियो इंग्लिश वोकैबुलरी के आज बहुत अच्छे वर्ड है, जल्दी से जल्दी अपन वर्ड करें। इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड से इडियम्स एंड फ्रेजेज और आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है और वोकैबुलरी के वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड है। रोजाना एवरीडे मॉर्निंग्स में ये वीडियो इंग्लिश वोकैबुलरी तो हिंदू एडिटोरियल्स आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, और वर्ड के बेस पर, वोकैबुलरी के बेस पर आप स्टोरी बेस पर बनाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल, सो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडेज मोटिवेशन कोड, हियर इज इट। टुडेज मोटिवेशन, चैलेंजेस, चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, यानी कि चुनौतियां ही आपकी लाइफ को रोचक बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। ओवरकमिंग देम इज व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क, ज्यादा से ज्यादा चैलेंज, कोई भी चैलेंज हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम जो ना हो, असंभव हो, उसको करना, वही आपके चैलेंजेस, वही आपकी चुनौतियां बरकरार रखने के लिए लाइफ एक रोचक तथ्य पर जाती है। ओवरकमिंग आने वाले तथ्यों में ही उसका, और उसके आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर्स में ही उसका हल निकलेगा, उसका सॉल्यूशंस निकलेगा, आपके लिए बेस्ट साबित होगा। यानी कि चैलेंजेस लेना आवश्यक है, आपको रिस्क लेना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफ को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, रोचक बनाना है, कुछ भी करना हो चाहे। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सैल्यूट है दिस पर्सन को, सैल्यूट है दिस पर्सन को। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आज मैं इनको पाकिस्तान से रिहा करके, अभिनंदन अराइज टू हीरोज, हीरोज वेलकम सर, यानी कि जिसको पाकिस्तान से कल से बहुत टाइम, लंबे समय के बाद, लंबे कितना टाइम से, लगभग 9 से, सुबह 9 बजे से लगे हुए थे, लगभग शाम को 9 बजे के आसपास इनको छोड़ा गया था। पता नहीं कुछ वीडियो क्रिएट, मेरे हिसाब से कुछ वीडियो क्रिएट कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ उगलवा रहे थे। वीडियो भी आया था उनका, लगभग 20 या 30 कट्स के माध्यम से वीडियो बनाया गया, इनसे पूछा गया, उसके बेस पर इनको लेट कर दी गई थी। ओके, वास्तव में रियल हीरो है, वास्तव में एक MiG-21 से F-16, जो कि अमेरिका था, MiG-21 से, जो कि MiG-21, जो कि बहुत पुराना जहाज है, 1965 का जहाज है, उससे F-16 का, लेटेस्ट जनरेशन का जहाज को गिराना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क, अच्छा वर्क था। जरूर इनको कुछ ना कुछ सम्मान दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट आर्टिकल्स ये है, देखिए, एंश्योर अ मिनिमम इनकम फॉर ऑल्स, एंश्योर अ मिनिमम इनकम्स। देखिए, बेसिक सब हेडिंग्स, व्हाट इज द सब हेडिंग, सब हेडिंग्स कह रहा है, बेसिक स्कीम्स, बेसिक इनकम स्कीम्स विल डिलीवर बेनिफिट टू द पुअर ओनली इफ इट कम्स ऑन टॉप ऑफ पब्लिक सर्विस। देखिए, बेसिक इनकम्स अभी गवर्नमेंट के बीच पर बहुत बहुत ज्यादा मोटिव है, यानी कि इलेक्शन बेस पर मुद्दा भी बन सकता है। जैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुद्दा उठाया, बेसिक इनकम, व्हाट इज द बेसिक इनकम, बेसिक इनकम मतलब कि एक पर पर्सन से, जो भी पर पर्सन है, उसके खाते में, उसकी इनकम को, इसको पैसे दिलाना, एक तरह का कह सकते हैं यह है, यानी कि गरीबी से ऊपर उठाना, यही बेसिक इनकम का सॉल्यूशन है। और आपके एग्जाम्स में भाई, मैंने बेसिक इनकम्स के बारे में बताया, और एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से बन सकते हैं कि बेसिक इनकम से सर्वप्रथम आइडिया इसको सिक्किम स्टेट, जो भारत का सिक्किम स्टेट है, उसने लागू किया था। सिक्किम स्टेट ने लागू किया था, मतलब कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उनके आइडिया आया था, एक तरह से कह सकते हैं। ओके, सिक्किम याद रखिएगा, आप सिक्किम स्टेट है, बेसिक इनकम के बारे में, बेसिक इनकम क्यों ला रहे हैं, ताकि पूर्व गरीबी को ऊपर उठा सकें, गरीबी मिटाने के लिए पर्सन के अकाउंट्स में या किसी भी माध्यम से उसको पैसा दिया जाए। उसका शॉर्ट टर्म पार्ट, यानी कि एक शॉर्ट टर्म पार्ट एनडीए गवर्नमेंट ने अभी किया है, आपको याद होगा, पीएम किसान सम्मान निधि में। ओके, जिसमें 6,000 per year, यानी कि 2,000 per quarter रुपए अकाउंट्स में किसानों के, फार्मर्स के अकाउंट्स में डाले जाएंगे। ओके, 5 acres से जिनकी भी लैंड कम है, उनके अकाउंट्स में, यानी कि 2,000 per quarter, यानी 3 महीने में 2,000, साल में 6,000 रुपये उसके खाते में डाले जाएंगे, ताकि कोई भी फर्टिलाइजर है, कोई भी कुछ परचेज करने की कोशिश कर परचेज करने परचेज कर सकते हैं।
यही पीएम किसान के माध्यम से है। और इसको आप पीएम किसान का भी ध्यान रखिए, योजना कोई भी स्कीम से उसके बारे में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम किसान योजना कहाँ स्टार्ट की गई थी, क्योंकि तो अभी की हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई थी। ओके, उसके माध्यम से मोबाइल से डायरेक्ट डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में मैसेज आता है। जरूर बाकायदा मैंने प्रूफ देखे हैं, लोगों के अकाउंट में मैसेज आएगा 2000 डिपॉजिट इन योर अकाउंट, सब कुछ का कुछ मैसेज आते हैं। ओके, 2000 के बारे में मोबाइल से डायरेक्ट ट्रांसफर किया, ये है पीएम किसान से। और बेसिक बेसिक इनकम्स के बारे में मैंने आपको बताया सिक्किम के राज्य में, और आगे भी इसका आर्टिकल्स अब आएगा क्योंकि इलेक्शन से इलेक्शन के बीच पर मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे बेसिक इनकम का, बेसिक इनकम का। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड आपको मिल सके। ओके, देखिए सेकंड्स, देखिए सेकंड्स आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिंगर के बेस पर एमसीक्यूज में बन सकते हैं। ओके, उसमें भी बन सकते हैं, इसमें भी बन सकते हैं एमसीक्यूज में। देखिए जीएसटी कलेक्शंस के बारे में मैंने आपको लिया है, जीएसटी कलेक्शंस ड्रॉप्स अप टू ड्रॉप टू 97,247 करोड़ इन फरवरी, लेकिन जनवरी में 1,52,000 करोड़। ओके, जनवरी में, लेकिन फरवरी में कम हुआ है थोड़ा कुछ कम हुआ है, तो उसके बेस पर आप डाटा याद रखिएगा, फरवरी में इतना हुआ है एंड जनवरी में इतना हुआ है। ओके, 1,02,000 एंड फरवरी में 97,247 करोड़ रुपए। ओके, ये आपको डाटा याद रखने की आवश्यकता है। ओके, प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर्स, देखिए ये आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, ये डाटा दे रखा है, डाटा आपको पढ़ना चाहिए, जो मैंने दिया है ये डाटा आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन प्लान फॉर Plan for next year, that said Mr. Jain, Mr. Jain did point out that the real question should be how the government plans to achieve next year revenue target, which is 20% higher than the target for the current years, especially since the GST Council does not have the rooms to increase tax rate. ये प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर का, अगले ईयर का क्या योजना है। लेकिन आपको क्वेश्चन ये बन सकता है, एक तरह से एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलेक्शन कितना है फरवरी में जनवरी में, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है, जीएसटी काउंसिल का हेड है आपके अरुण जेटली जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अरुण जेटली जी को फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि जीएसटी काउंसिल के हेड है। पर स्टेट की बैठक में इसका निर्णय किया जा रहा है किस रेट पर क्या कम करना है क्या नहीं, जो कि अभी रियल इस्टेट के सेक्टर में भी लेस किया था टैक्स रेट, ओके, कट किया था, इनपुट नहीं मिला था उसमें बेस पर कट किया था। ओके, ये जीएसटी का बेस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मानूंगा आपको लिया है, मैंने इसको लिया है अपने वीडियो में। ओके, लेट्स बिगिन द वोकैब, आई होप आपको समझ में आया हो जीएसटी का, बेसिक इनकम्स का, कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी देख सके आपके वीडियो देख सके, अच्छे से अच्छी चीजें जान सके। शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है, अपना नॉलेज इंक्रीज होता है, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भी। ओके, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। वोकैब्स बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, आई बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, वेरी वेरी न्यू वर्ड्स हैं सारे ही। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्केस्ट्रेट यानी कि एक होता है ऑर्केस्ट्रा जो कि शादियों का ऑर्केस्ट्रा उनका होता है, एक ऑर्केस्ट्रेट यानी कि अरेंज करना, व्यवस्था करना, एक तरह से व्यवस्था करना परिस्थितियां कह सकते हैं। द जर्नलिस्ट, देखिए एग्जांपल्स आप भी कोई भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, जितने भी मैं 9 से 11 से 12 वर्ड्स हैं जिनके भी मैं वर्ड्स दूँ, आप उसके बेस पर सेंटेंस बनाइए, मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, सेंटेंस के बेस पर ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं है रोजाना मेरा वीडियो देख लिया, वीडियो के माध्यम से आपको रिमेंबर हो जाएगा, नहीं, सेंटेंस बनाइए, अच्छे से रिमेंबर होगा, 2-3 दिन चाहे भले शाल निकल जाए तो भी आप नहीं भूलोगे उस वर्ड का मीनिंग। ओके, ऑर्केस्ट्रेट यानी कि अरेंज द जर्नलिस्ट हैज ऑर्केस्ट्रेट द प्रोमिनेंट फैक्ट फॉर द पब्लिशर। ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्य, दायित्व, अपना दायित्व क्या है, ग्रेस बेस्ट ऑफ ऑल। ओके, ही हैज इनफ कैश टू मीट हिज प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। एल्यूरिंग यानी कि मना हुआ, प्लीजेंट एक अच्छा विवेकी पुरुष, अट्रैक्टिव पुरुष, चंचल कह सकते हैं। द टाउन ऑफर्स एल्यूरिंग शॉप्स एंड रेस्टोरेंट। वेंटन्स बहुत ही अच्छा वर्ड है, वेंटन्स यानी कि प्लांटिंग्स, रियल स्ट्रिंग्स, वेंटन।
स्टडीज वॉज वेल डन इन माई सिटी, यानी कि कल बीते हुए कल में प्रचंड कह सकते हैं, एक अधिक 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 ज्यादा मात्रा में, बहुत मात्रा में, तो वेटन 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 ओके। टाइमलेस, टाइमलेस यानी कि पोल्यूट सॉयल्स, टाइमलेस यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ना कलंकित कर दिया, कलंकित कर दिया, कोई वैल्यू नहीं, कलंकित कर दिया, धब्बा लगा दिया एक तरह से उस बीच में कह सकते हैं। बोकूर्स स्कैंडल्स, मैंने ग्रेट एग्जांपल जो दिया, देखिए प्रोफोर्स स्कैंडल्स, ट्राइनिस इज रेपुटेशंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की बोफोर्स स्कैंडल जो घोटाला किया था बोफोर्स में, कांग्रेस पार्टी की रेपुटेशन से वो धूमिल कर दी, धूमिल कह सकते हैं, कलंकित कह सकते हैं। ट्राइनिस बहुत अच्छा वर्ड है, आप भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ब्लॉकेट, ब्लॉकेट यानी कि सीज, सेज यानी कि रोक देना, वहीं पर ब्लॉकेट कर देना। देयर वाज अ ब्लॉकेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। बोनोहोमाइन, बोनोहोमाइन यानी कि गुड ह्यूमर, अच्छा ह्यूमर, अच्छा खुश मिजाज पर्सन, आनंद पूर्वक पर्सन, इसको बोलते हैं बोनोहोमाइन। बोनोहोमाइन इंडिया ऑलवेज ट्राइज टू मेक अ बोनोहोमाइन बोनोहोमाइन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद ग्लोबल कंट्रीज। ओके, रिटोरिक्स, रिटोरिक आपको पता ही है, डेकोरेटिव रिटोरिक, एक शब्द बनता है रिटोरिक करते रहना, डेकोरेटिव साज सज्जा से। He always used to pass rhetoric statements regarding peoples in public places. Grapples यानी कि झगड़ा करना, एक जगह से कैप्चर करना, झगड़ा करना, कैप्चर करना। 2 days ago, Pakistan's army, Pakistan army was grapples my soldiers. कम्युनिकी, कम्युनिकी यानी कि कम्युनिकी यानी कि बुलेटिन, एक तरह के से बुलेटिन, शासकीय सूचना, शासकीय सूचना कम्युनिकी कहते हैं, शासकीय सूचना। ओके, कम्युनिकेट, बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिया, आप भी कोई भी एग्जांपल्स बना सकते हो। देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल दिया मैंने आपके, आपके लिए दिया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मेड बाय द पाकिस्तान पीएम्स रिगार्ड पीस विद इंडिया, जो जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में किया, पीस गेस्टर्स माई कंट्री, जो मैं पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं विद इंडिया, इज नॉट 100% रियलेबल। ओके, वैगरी, बहुत ही अच्छा वर्ड है वैगरी, यानी कि वेव, कैप्रिशियस, एक तरह से लहर, एक तरह से जुस्सा, द कैप्रिशियस। देयर इज सम वैगरी चेंज इन माय फ्रेंड्स बिहेवियर रिसेंटली। ओके, आई होप आपको वो कैप अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब के बटन पे, लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रोजाना एवरीडे मॉर्निंग्स में एक वीडियो अपलोड होता है, एवरीडे मॉर्निंग्स में, और मैथ्स के नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के वीडियो अपलोड होते हैं, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखना है तो। टिट फॉर टैट, इडियम्स एंड फ्रेजेस है टिट फॉर टैट, यानी कि काउंटर अटैक। एक आर्टिकल्स आया था अभी द हिंदू ट्रिब्यून में, अभी आज के जो मैंने लिया नहीं है, वो पाकिस्तान के बारे में था, काउंटर अटैक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट टैट टॉय यानी कि नॉट एंड क्रॉसेस, यानी कि उसके बोलते हैं ना, जैसे गेम खेलते हैं बच्चे, उसके बोलते हैं उधर से उधर, उधर से उधर, तो बोलते हैं टिट टैट टॉय। ले ओपन यानी कि रिवील्स करना, खुलासा करना, एक तरह से खुलासा करना, ना कि छिपाना, कंसील्स नहीं, ले ओपन कोई भी खुलासा करना, अच्छे से अच्छा खुलासा करना, किसी की भ्रष्टाचार की तो उसका खुलासा करना, तो ले बोलते हैं ले ओपन। ओके, आई होप आपको idioms and phrases अच्छे लगे होंगे, vocabs के कुछ वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, sentence बनाइए idioms and phrases की बेस पर, sentence बनाइए, जितने अच्छे आप सेंटेंस बनाओगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होती जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, इंग्लिश अच्छी करना है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए। मैंने जो आर्टिकल्स उसके बाद फिर नॉलेज दिया, आप उसकी रीडिंग की 100% आपकी इंग्लिश बेस्ट होगी। ओके, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चंस वीक हैं, अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चंस वीक हैं, तो प्लीज जाके वीडियो देखिएगा। अर्थमेटिक के रोजाना अपलोड करता हूँ एक एक वीडियो, लगभग 30 लगभग 25 से क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा वीडियो। अर्थमेटिक में कोई भी क्वेश्चन भी डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।